खड़ गया, पीछे एक ट्रक है उसका 100 की स्पीड से ऊपर ले जा चुका हूँ। तो अगर इसको पूरी स्पीड पर लेकर जाता हूँ, अगर आपको रोड में अगर यू टर्न लेना है तो उसके लिए एडिक्वेट पूरा प्रोविजनिंग की गई है, लेकिन आपको हड़बड़ी है भाई कहीं से भी मुड़ जाओ तो ये गलत बात है। देखो देखो आप नीचे प्लांटेशन के लिए इन्होंने इरिगेशन के लिए यहाँ पर पाइप्स लगा रखे, अगर आप बीच से अगर कार को लेकर आ जाओगे एक तो आपकी गाड़ी फंस भी सकती है, दूसरी बात जो यहाँ पर इन्होंने बनाया है पाइप्स वगैरह लगाए हैं वो सारे टूट फूट जाएंगे। फिर देखो एक चीज आप जान लो, आप कार को अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर लेकर जाओ तो कार ऐसे तेल पीती है और आपका माइलेज गिरेगा ऐसे पूरा फुल कर देना था, ऊपर तक भर देना था, गर्दन तक हाईवे पर लेकर जा रहा है इसको, इसको माइलेज टेस्ट वगैरह कर देना तो हो गया करीब करीब पूरा भरने वाला हो गया। यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लेने वाला है। अच्छा मैंने अभी जस्ट अभी देखा तो 125 रुपीज़ का टोल लगा था, मैसेज आ गया था फास्टैग। नितिन गडकरी साहब ने जो पहले उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं बना के दूंगा वर्ल्ड क्लास, उसी की तरीके का आप देखो 1224 किलोमीटर मुंबई, अभी पूरा बना नहीं है ये रास्ता अभी तक, चारों तरफ देखिए खुला खुला नजारा है। तो एक क्वेश्चन ये आ रहा था, मैंने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कुछ व्यूअर्स ने ये पूछा था कि और हाईवे पर स्पीड में मतलब सीएनजी में क्या कोई परेशानी आती है पिकअप में, तो मैं कार को 100 की स्पीड से ऊपर ले जा चुका हूँ, तो अगर इसको पूरी स्पीड पर लेकर जाता हूँ नो सच इशूज, और गाड़ी सीएनजी पर ही चल रही है कोई भी इशू नहीं है, पावर की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं इसको 100 के आसपास ही रखूँगा स्पीड पर, इसके ऊपर मैं ज़्यादा स्पीड पर इसको लेके जाना नहीं चाहूँगा। बहुत सुंदर रोड बनाया है देखिए, टार रोड है तो इतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है, कंक्रीट पर ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, वहाँ पर टायर बस्ट होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए क्रूज कंट्रोल का एक मेजर फायदा ये होता है अगर इस टाइप की ड्राइव है तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिल जाता है, क्योंकि आपको आप देख रहे हो नीचे एक्सीलरेटर पर पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको जब भी ब्रेक यूटिलाइजेशन की जरूरत हो आप तुरंत इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या है कि इससे माइलेज भी बेटर निकलता है, स्ट्रेस कम होता है। फ्रेंड्स कंटिन्यू विद द जर्नी, आज जो आप देख रहे हो ये सोच लो कि देश की एक धरोहर है, बहुत बड़ी चीज़ आप देख रहे हो, इंटरनेशनल लेवल का ये हाईवे डेवलप किया गया है। अच्छा मैंने अभी एक चीज़ नोट किया यहाँ पर कि इसमें हर जगह कैमरा लगे हुए हैं हाईवे में, तो आप ओवर स्पीडिंग भी अननेसेसरी मत करो, वो आपके स्पीड को भी डिटेक्ट करते होंगे पक्का है, और सेफ्टी के लिए भी किया है उन्होंने। तो आपका आरपीएम कम पर रहेगा, 2000 के आसपास में अगर आरपीएम पर रखते हो 70 75 80 के स्पीड 90 के स्पीड में भी मैंने देखा है कि 2000 आरपीएम के आसपास में गाड़ी चल जाती ठीक से, तो इससे आपकी माइलेज बहुत अच्छी निकलती। दूसरा इंजन पर स्ट्रेस नहीं पड़ता, देखो मैं अभी 120 किलोमीटर मेरी ट्रैवल हो चुकी है और अभी देखिए कितना सीएनजी बचा हुआ है इसमें। जैसा मैंने बताया कि जहाँ मैंने सीएनजी फिलअप करवाया था वहाँ उतना ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं था, पंप थोड़ा सा खाली ही था जब टॉप अप हुआ था सीएनजी, बट स्टिल 120 किलोमीटर में चल चुकी है गाड़ी एंड आई थिंक कि 80 किलोमीटर चलना चाहिए, और देखते हैं कम से कम मैं इतना तो ड्राइव जरूर करूँगा कि जहाँ पर सीएनजी फिनिश हो जाती है इस कार की, तो पेट्रोल में स्विच ओवर हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्विच ओवर। हाँ इस कार की जो इंजन है दिस इज़ अ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, इसमें कोई टर्बो लगा हुआ नहीं है, ठीक है। टर्बो का एक मज़ा ज़रूर होता है कि टर्बो में ये होता है कि आप अगर एक आरपीएम के बाद उसको गाड़ी को रन करोगे तो उसमें सडन रश ऑफ एक पावर आता है, लेकिन उसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं जो कि मुझे कुछ जो मैकेनिक्स थे उन्होंने बताया जब मेरी गाड़ी के इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, प्रीवियस जो मेरी कार थी उसकी, उन्होंने बताया उसमें एक दिक्कत क्या आती है कुछ समय के बाद, जैसे मान लो 2.5 साल 3 साल के बाद उसमें फॉल्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो टर्बो होता है वो एक एक्सटर्नल मशीन होता है जो इंजन का एक्चुअली पार्ट नहीं होता, उसको अलग से लगाया जाता है, उससे थोड़ा वियर एंड टियर भी होने लगता है बाद में। हाँ आप लोगों के पास जिनके पास भी टर्बो वाली कार है वो आप बता सकते हो बेटर। अच्छा एक और फ़ायदा होता है जो नेचुरल एस्पिरेटेड कार होती है,
वो लोअर आरपीएम पर भी अच्छी पावर जनरेट करती है, तो आपको पावर शिफ्टिंग की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। टर्बो इंजन में क्या होता है, उसमें पावर लैग आ जाता है। अगर मान लो आप टर्बो की जो स्पीड होती है उस आरपीएम पर अगर आप पहुंच नहीं पाए हो तो उसमें आपको नॉकिंग साउंड्स वगैरह शेयर करता चलता। तो अभी 196 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ जब से मैंने गैस इसमें टॉपअप करवाया था द्वारका से, और अभी इतना शो कर रहा है बचे हुए। हाईवे पर मैं भी इतना लंबा अभी तक गाड़ी को लेकर निकला नहीं था, इस कार को जब से मैंने परचेज किया था। आज अचानक से मूड बन गया था मैं निकलो, अब तो निकलना ही होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैंने इसको 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी गाड़ी को लेकर गया, आसानी से चली जाती है। ठीक है, मेरे को ड्रैग रेस वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैंने उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत जो पावरफुल गाड़ी रहेगी वो 5 सेकंड 10 सेकंड में पहुँचती होगी, तो ये 12 सेकंड में पहुँचेगी, पर उससे होता क्या, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इससे आपके डे टू डे वर्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी जस्ट इसमें साइन आ गया है, देखिए सीएनजी इसमें रिजर्व मोड में जा चुका है, एंड जो किलोमीटर्स चल गई है कार 210 किलोमीटर 209 किलोमीटर के आसपास चल गई है, बट स्टिल इट्स रनिंग ऑन सीएनजी। मैं अभी आपको देखता हूँ कि ये कार और कितनी चलती है बिफोर स्विचिंग ओवर टू द पेट्रोल मोड। अभी मेरी वहाँ बात हुई, दो एक गार्ड थे और एक और थे पर्सन, उनसे बात हुई तो बताया टोटल एनएचएआई का ही डेवलप करने के लिए बनाया गया। 18 हेक्टर का ज़मीन है ये, इस तरीके का जो बनाया है वो 50 किलोमीटर में आपको मिलेगा। यहाँ मोटेल की सुविधा भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। हाँ, उसको डेवलप करने में समय जरूर लगेगा। अभी चलते हैं, सामने बताया कि एक रेस्टोरेंट भी है, वहाँ कुछ खा पी लूँगा। छोले भटूरे वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पर, टोस्ट और कॉफ़ी मैंने मंगवाया है, अभी खा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं और कितना आगे जाता हूँ, या फिर हो सकता है कि इसे रिटर्न भी ले लूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स में ऑलरेडी आ चुका हूँ। मैंने बात की, पेट्रोल पंप ऑपरेशनल हो चुका है, जो ईवी कार्स होंगे उनके लिए भी पॉइंट्स बनाए गए। मैंने पूछा सीएनजी के लिए भी क्या कोई प्रोविज़न किया गया, बोला अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ। ये राइट साइड में हाईवे है, अब यहाँ से मैं फिर आगे हाईवे को कैच कर लूँगा। कार अभी भी सीएनजी पर ही चल रही है, ब्लिंक कर रहा है वो, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो सीएनजी अभी शो कर रहा है। जैसे कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, अरे एक मिनट देखिए, जयपुर के लिए यहाँ से टर्निंग है, जैसे ये फिनिश हो जाएगा ये पेट्रोल पर चला जाएगा। फिर एक टर्न मुझे दिखा था यू टर्न, लेकिन मैंने टर्न लिया नहीं, मन नहीं किया, लगा थोड़ा सा और आगे ड्राइव कर लेता हूँ। अभी ये पेट्रोल मोड में स्विच हो गया है, ये देखिए, तो 226 किलोमीटर के आसपास चली है कार सीएनजी में, क्या नज़ारा है। सोलो ड्राइव का भी एक अपना मजा होता है, आप खुद से जा रहे हो, अपने मजे से जा रहे हो। हाँ, बीच में आपको कमी जरूर फील होगा किसी से बातचीत करने के लिए, लेकिन चूंकि मेरे पास कैमरा है बात करने के लिए, तो मैं उससे निपटा ले रहा हूँ, काम अपना चला ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ से यूटर्न लूंगा एंड बैक टू दिल्ली, आराम से मुड़िए और चलिए दिल्ली के लिए। वैसे भी ना सीएनजी खत्म हो चुका है, तो पेट्रोल में ज़्यादा चलाने की इच्छा नहीं होती। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा ये। अच्छा, ये मैं दिखाता हूँ, रुकिए आपको। हाँ, इसमें ड्रिप लगा रखा है छोटा छोटा, आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, ये प्लांट्स को पानी देंगे आसानी से, ज़्यादा मैन पावर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वेस्टेज भी नहीं होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है थोड़ा सा, हाइयर स्पीड्स पर पेट्रोल में जल्दी वो अचीव हो जाता है, बट फॉर ऑल रीजंस जो आपको डे टू डे में इसका कोई खास कोई डिफरेंस फील नहीं है। देखो, एक चीज़ आप जान लो, अब कार को अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर लेकर जाओ तो कार ऐसे तेल पीती है, फटाफट वो तेल पिएगी। एंड दिस इज ट्रू नॉट जस्ट फॉर दिस कार बट फॉर एनी कार, क्योंकि उसके बाद मैंने जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इंजन को बहुत ज़्यादा पावर फिर चाहिए होता है, मतलब वो ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। लोड पड़ता है तो फ्री फोकट में तो आता नहीं है, उसके लिए उनको चाहिए ऑयल, और वो तेल पीते हैं, सड़क सड़क तेल पिएंगे और आपका माइलेज गिरेगा ऐसे, तो ये चीज़ एक नोट करने की चीज़ होती है। बाकी दोनों साइड में रोड के मस्त नज़ारे हैं, रावली हिल्स है। एक पर्सन को मैंने देखा कि वो रोड के दूसरे साइड से गाड़ी को इस साइड ले आए, दूसरे रोड पर ले आए, बीच से होते हुए प्लांट्स को इरीगेशन के लिए पानी देने के लिए जो पाइप्स भी था वो भी पाइप्स थे, उसके ऊपर से उन्होंने चढ़ा कर गाड़ी को ले आए, तो ये गलत चीज़ है।
वो पाइप भी टूट जाएगा फिर वहां पर। देखो देखो आप नीचे के लिए यहाँ पर पाइप से लगा रखे, अगर आप बीच से अगर कार को लेकर आ जाओगे एक तो आपकी गाड़ी फंस भी सकती है, दूसरी बात जो यहाँ पर इन्होंने बनाया है पाइप्स वगैरह लगाए हैं वो सारे टूट फूट जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर कैमरा लगा रखा है दोनों साइड में। अच्छा एक बात बताना चाहूँगा, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले एक देखा कि पुलिस की गाड़ी थी साइड में लगी हुई थी और उसमें स्पीड इंटरसेप्टर था, तो वो लोग पीछे से लगा के चेक कर रहे थे। तो मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा स्पीड पर चलाओगे गाड़ी को तो शायद पकड़ में भी आ जाओ, तो आप स्पीड लिमिट को ज़रूर मेंटेन करके चलाना गाड़ी। बताओ बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा हाईवे है, कहीं भी कोई गड्ढे उड्ढे दिखे नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव है एंड फैसिलिटीज काफ़ी सारे डेवलप किए जा रहे हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ भी कभी आओगे तो आपको ज़्यादा इशू आने वाला नहीं है। रेस्ट रूम्स भी है काफ़ी, सामने एकदम मून दिख रहा है एकदम बड़ा सुंदर सा। जस्ट अभी जो मैंने एक टोल पास किया था उसमें मैंने देखा कि 95 रुपीज डिडक्ट हुए हैं फास्टैग से। ब्यूटीफुल इवनिंग, सनसेट बहुत सुंदर हो रहा है सामने अरावली रेंजेस है। सीएनजी पंप पर पहुंच चुका हूं द्वारका में और कार चल गई है 495 किलोमीटर टोटल। इसके बाद मैं चलूंगा पेट्रोल पंप बगल में ही है। ठीक पूरा भर गया तुम ऊपर तक आ चुका है। अब ये आया है 11.42 किलोमीटर लीटर्स, जो कंजम्पशन आया है 11.4 लीटर्स आया है इसमें। अब मैं आपको घर पहुंचकर कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एग्जैक्ट क्या माइलेज निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों कल तो मैं लास्ट वाला पोर्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, और इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि कितना माइलेज निकल कर आया है पेट्रोल में एंड सीएनजी में। कल के ड्राइव में 270 किलोमीटर मेरी कार चली थी टोटल पेट्रोल में, 226 किलोमीटर चली थी सीएनजी में। तो 226 किलोमीटर जो गाड़ी चली मैं दिल्ली में आने के बाद इसको वापस फिलअप करवाता हूँ और 7 केजी के आसपास गैस इसमें आता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैं मॉर्निंग में निकला था सीएनजी मैंने टॉपअप कराया था तो सीएनजी पंप में थोड़ा सा प्रेशर कम था और वो पूरा फिल नहीं हुआ था, टैंक पूरा फिल नहीं हुआ था। उसके हिसाब से अगर हम एक आइडिया लगाते तो शायद 6.5 किलो के आसपास गैस होगा। अगर 6.5 किलो के आसपास गैस था और पूरा खाली हो गया तो उसके हिसाब से जो माइलेज निकल कर आती है वो 34.7 किलोमीटर पर केजी का माइलेज निकलता है। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, अगर मान लेते कि 7 किलो ही गैस था इसमें जो कि शाम में जो इवनिंग में रिटर्निंग के समय मैंने भरवाया था, तो अगर हम 7 किलो मानते हैं इसको तब 32.3 किलोमीटर पर केजी का माइलेज निकलता है। अब मैं चलता हूँ आपको बताता हूँ कि पेट्रोल में क्या माइलेज निकला। 270 किलोमीटर टोटल रन हुई थी पेट्रोल में कार, 11.4 लीटर पेट्रोल आया था, उसके हिसाब से ये जो माइलेज निकलती है वो 23.7 किलोमीटर पर लीटर निकलता है पेट्रोल में माइलेज निकलता है। इसे मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब मैं मॉर्निंग में निकला था एक्सप्रेसवे के लिए तब करीब करीब 40 किलोमीटर मेरी कार चली थी, सिटी में चली थी और काफ़ी ट्रैफिक भी था। दूसरा जब मैं रिटर्न होकर आता हूँ एक्सप्रेसवे से दिल्ली के लिए फिर भी लास्ट वाला जो 40 किलोमीटर है वो भी सिटी ड्राइव हुआ था और अच्छा रास्ता नहीं था। तो इससे मुझे एक जो एक आइडिया लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर हम टोटली सिर्फ एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करें गाड़ी को और स्पीड को मेंटेन करते हैं करीब करीब 80 के आसपास मेंटेन करते हैं, मुझे लगता है कि सीएनजी में शायद ये 40 भी टच कर सकता है, मुझे लगता है। एंड पेट्रोल में खैर उससे हो सकता है 27-28 जा सकता है। मैं कभी अपने सब्सिक्वेंट वीडियो में इसको ट्राई करूंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप इससे काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि एक्सप्रेसवे में भी कैसे किस तरीके का ये कार परफॉर्म करती है, क्या माइलेज निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसको आप लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।